Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment BPAS 186. ये जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो डिस्कस करने वाला पॉइंट था, असाइनमेंट वन हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट टू टू डिस्कस, जिसमें तीन पार्ट पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एफिशिएंसी अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस अप्रोच, और व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेसर। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो आपको ये तो ज़रूर से पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम सही तरीके से इसको अपनाते हैं, टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं, टाइम को सही तरीके से संभालते हैं, ताकि जो हमें बाद में प्रॉब्लम होने वाली है, प्रेशर वगैरह एट द टाइम, उस टाइम पे हमें डील ना करना पड़े। अब सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर पूछा है, तो सिग्निफिकेंस को बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड फॉर बोथ इंडिविजुअल। अब ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे काम को किया जा सके, है ना। तो इसलिए टेलर ने, इन सब लोगों ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके ऊपर हमने वर्क किया है, लोगों ने वर्क किया है। पीटर ड्रकर ने भी इनके बारे में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आ गए इसके सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस समहाउ सिमिलर। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप पहले से पहले ही सारी कुछ मेंटेन करके चल रहे हो, तो आपको वेस्टेज नहीं होगी। वेस्टेज नहीं होगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगी, टाइम बचेगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक एक करके हम क्या सीखते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ों को संभालना सीखते हैं, टाइम को मैनेज करना सीखते हैं, और फिर जब पूरी तरीके से टाइम मैनेज हो जाता है तो फिर हम डिसीजन भी अच्छे तरीके से ले पाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज वर्क लाइफ इंटीग्रेशन एंड टाइम अवेयरनेस। लोगों को भी जागरूकता मिलती है कि काम को सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। गोल अचीवमेंट एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ, इससे आपकी हेल्थ भी सही रहती है, क्योंकि अगर स्ट्रेस के फैक्टर्स बढ़ेंगे तो ये हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिशिएंसी अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस अप्रोच टू द टाइम मैनेजमेंट। आपको ये देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अप्रोच क्या होती है। तो एनी हाउ ये जो टर्म है ये सिमिलर लगती हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। एफिशिएंसी का मतलब है काम को करना परफेक्ट तरीके से, इफेक्टिवनेस को करने का मतलब होता है आपको एक्चुअल रिजल्ट से मतलब है, कितनी आप सही तरीके से काम कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। एफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस है, दो सिमिलर टर्म है, लेकिन इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है, सब बताया, एफिशिएंसी, ये सब डिफरेंशिएट वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली डिस्कस किया हुआ ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, मेन सोर्सेस बताने वर्क प्लेस स्ट्रेस के। तो 10 सोर्स हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस के। द ट्रेडमिल सिंड्रोम सबसे पहले है। ट्रेडमिल सिंड्रोम क्या केसेस हैं जिनकी वजह से आपको वर्क प्लेस में स्ट्रेस होता है? मेन सोर्सेस जैसे कि ट्रेडमिल सिंड्रोम, अगर आप 24 आवर्स पर डे काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रैंडम इंटरप्रिटेशन मतलब बार 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 अगर काम में रुकावट आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। डाउट अगर कोई रहेगा, जैसे मान लो मुझे कौन से बॉस को बताना है,
किससे रिपोर्ट लेनी है, किसको आंसर करना है, जब मुझे यहीं पे क्लेरिफिकेशन नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट भरोसा ना होना, भरोसा ना होना भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो कि लीड करता है आपकी प्रॉब्लम को। अनक्लियर कंपनी डायरेक्शन, कंपनी डायरेक्शन ठीक से नहीं दे रही है, या करियर को लेके मुझे कंपनी में इतना विश्वास नहीं है, मुझे कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए कर पाना। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कभी कभी क्या होता है परफॉर्मेंस ठीक नहीं भी चल रही होती, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस लीड करता है। और बीइंग अनअप्रिशिएटेड, मतलब हमें ऐसा लगता है कि टाइमली बेसिस पे हमें अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, जितना अच्छा हम काम कर रहे हैं उतनी हमें शाबाशी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से भी कभी कभी स्ट्रेस लीड करता है। लैक ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, एक तरीके से तो एक तरफ से तो बातचीत हो रही है लेकिन दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो बैरियर प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ना हो पाना भी, थोड़ा काम होना या काम का वर्कलोड ओवरलोड होना, ये भी कंट्रोल ना होना भी एक फैक्टर है जो कि लीड करता है आपके स्ट्रेस को। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं। अब इसी को आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में असाइनमेंट 3 कंप्लीट कर लूँगी, सो दैट ये वाला असाइनमेंट आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ कमेंट में मेंशन कर देना, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और बाकी आप लोग लेक्चर को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।